एवरीवन, आप सबको मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल में स्वागत है। मैं सोमल चटर्जी आप लोगों को एक जन्माष्टमी स्पेशल भोग थाली बना के दिखाऊंगी। तो आइए गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और इसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बहुत एक अच्छी जन्माष्टमी की एक भोग की थाली बना के दिखाती हूँ। देखिए, पहले मैं इसमें कढ़ाई में ओवन बिठाने के बाद मैं इसमें घी दे दूँगी। तीन चम्मच घी दे दूंगी, घी थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उसके बाद में बेसन को भूनूंगी। देखिए, अब मैं इसमें ये एक कप बेसन दे दूंगी, बेसन को थोड़ा सा अच्छी से फ्राई कर लूंगी। इधर ये फ्राई होती है तब तक मैं इस बगल में चाशनी बना लेती हूँ। ये दो कप चीनी दूंगी, दो कप में ये डेढ़ कप पानी दूंगी। इधर चाशनी बनाने के लिए मैं छोड़ दूंगी। जब तक ये बेसन फ्राई हो रही है तब तक इसमें मैं थोड़ी सी ये जाफरन दे देती हूँ और ये गरम ये छोटी इलायची इसको चाशनी में दे देती हूँ। ये थोड़ी सी होगी और इसमें तब तक खोआ खीर दे देती हूँ। ये मावा है, मावे को इसमें दे देती हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। और इसको मिक्स कर लेती हूँ तब तक। देखिए, अभी ये चाशनी भी बनके तैयार है। अभी ये चाशनी को मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स कर लेने के बाद ये थोड़ी घनी हो जाएगी और ये मेरी जन्माष्टमी की स्पेशल महाभोग बनके तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकती हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के महाभोग बना के तैयार की है। तो प्लीज गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए गाइस, स्पेशल जो मैंने मोग बनाया है ये मोग बन के अब तैयार है। अब मैं इसको सर्व करके आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। ये जन्माष्टमी की स्पेशल भोग की थाली बन के अब तैयार है। इसको गार्निश करने के लिए मैं थोड़ी सी ऊपर से बादाम और काजू दे देती हूँ और थोड़ी सी तिल दे देती हूँ। तो देखिए, मेरी ये जन्माष्टमी की स्पेशल भोग की थाली अब बनके अब तैयार है। इसको पीसों में भी आप काट के
इस तरह से पीसों में बर्फ़ी के शेप से काट के आप लोग दे सकते हैं। मैंने बनाया है, मैं दूंगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत एक अच्छी रेसिपी है, डिलीशियस, एकदम स्पेशल जन्माष्टमी का स्पेशल महाभोग है। तो आप लोग इसको अपने घर पे ट्राई कर सकती हैं। तो गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय। देखिए गाइस, इसको आप बर्फ़ी को सेब से भी काट सकती हैं। मैंने ये बर्फ़ी के सेब से काटा है। तो गाइस देखिए, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।